चैनल SKK एग्जाम स्टडी। दोस्तों 1000 क्वेश्चन की सीरीज लगातार हमारे चैनल पर चली हुई है। अगर आपने ये सीरीज देख ली तो आपका बहुत ही फायदा होगा। किस प्रकार फायदा होगा? क्योंकि 1000 क्वेश्चन जो हम हरियाणा जीके करवा रहे हैं, इसमें मोस्टली हरियाणा जीके का जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। और हरियाणा जीके क्या है, हाईएस्ट मार्क्स की आती है हर एग्जाम में। तो आप ही सोचो, अगर आपने 1000 हरियाणा जीके के क्वेश्चन कर लिए तो आपका स्कोर हरियाणा जीके में अच्छा होगा। तो दोस्तों जो भी वीडियो हम करवाते हैं, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है दोस्तों, तो ये स्टार्ट करते हैं। मारकंडा बाद जो देखो जो मारकंडा नदी है, वो जो मारकंडा नदी द्वारा जो बाढ़ का मैदान होता है उसको क्या कहते हैं? जो मारकंडा नदी है उसके द्वारा जो बाढ़ का मैदान बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? बैट। क्या कहते हैं? बैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, महेंद्रगढ़ गिरा हुआ है, जो महेंद्रगढ़ जिला है हरियाणा का वो राजस्थान के साथ लगा हुआ है, यानी कि राजस्थान के तीनों ओर से गिरा हुआ है। राजस्थान ने महेंद्रगढ़ को तीनों तरफ से घेरे हुआ है और इसी कारण क्या है, महेंद्रगढ़ जिले में भी थोड़ा रेतीला प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा का राजकीय पर्व है, हरियाणा का जो राजकीय पर्व है या त्योहार पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे? तीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा शिरोमणि कवि है, हरियाणा जो शिरोमणि कवि है दोस्तों वो कौन है? मांगेराम जी। मांगेराम जी सोनीपत से। दोस्तों जी तोड़ जी जान लगा कर क्या है, मेहनत करो, कभी भी मेहनत का फल मिलेगा आपको। पढ़ाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, आप पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आपको उसका कभी ना कभी लाभांश मिलेगा। लेकिन क्या है, आपने लगातार पढ़ते रहना है, अब नहीं तो आगे काम बनेगा। ठीक है, ये मत सोचो कि भाई एग्जाम की डेट आएगी तभी पढ़ेंगे, एग्जाम की डेट कभी भी आ सकती है। कॉमन पेपर होगा, कनाल पटवारी का जो भी एक पेपर होगा उसको आपने क्रैक करना है। अपने जीवन का लक्ष्य बना लो कि अब की बार तो नौकरी लेनी ही लेनी है। ठीक है, अपना 100% लगा दो और हमारे जो चैनल है उससे तैयारी करते रहें। हरियाणा शिरोमणि कवि है मांगेराम सोनीपत जी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पेट्रोकेमिकल हब, जो पेट्रोकेमिकल हब है हरियाणा के अंदर वो कौन सा जिला है? पानीपत। अमोनिया प्लांट, अमोनिया प्लांट पूछ लिया जाए वो भी कहां पर है? पानीपत में, अमोनिया गैस का प्लांट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा जो हरियाणवी भाषा, जो अपनी हरियाणवी भाषा है, बोली है, उसका जो प्रथम उपन्यास है वो कौन सा है? झाड़ू फिरी। कौन सा है? झाड़ू फिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सोमनाथ तीर्थ है, जो सोमनाथ तीर्थ है दोस्तों वो कहां पर है? जींद जिले में। कहां पर है? जींद जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोयल पर्यटन स्थल। देखो दोस्तों, हरियाणा राज्य एक ऐसा राज्य है जिसके सभी जिलों का नाम किसी ना किसी पशु पक्षी के नाम पर रखा गया है। जो कोयल पर्यटन स्थल है वो कहां पर है? कैथल जिले में। नेक्स्ट देखो, गोपालगिरी का किला है, गोपालगिरी का किला कहां पर है? गुरुग्राम में। दोस्तों आपको मैं एक बात बता देता हूं, टॉपिक वाइज जीके की प्लेलिस्ट चैनल में है। टॉपिक वाइज अगर आप जीके देखना पसंद करते हो या आपको पूरा टॉपिक समझना है तो वो वहां से आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय कहां पर है? चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय कहां पर है? भिवानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुल पुलिस कमिश्नरी कितनी है हरियाणा के अंदर? तीन है, एक तो पंचकूला जिले में है और एक फरीदाबाद में है और एक गुरुग्राम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काला हिरण उद्यान है, काला हिरण जो उद्यान है यानी कि जो पार्क है वो कहां पर है? रोहतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डफ नृत्य किया जाता है, डफ नृत्य कब किया जाता है? बसंत ऋतु, जब बसंत ऋतु आती है ना उसके आगमन पर डफ नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, सतकुंभा, जो सतकुंभा का मेला लगता है दोस्तों वो किस जिले में लगता है? सोनीपत जिले में लगता है। अगला क्वेश्चन देखो, सूर्य ग्रहण मेला लगता है, जब सूर्य ग्रहण होता है ना तो हरियाणा का एक ऐसा जिला है जिसको धार्मिक नगरी बोला जाता है और वहां पर सूर्य ग्रहण के समय में क्या है? स्नान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुरुक्षेत्र जिला है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चंदेली झील कहां पर है? चंदेली झील कहां पर है दोस्तों? मेवात में। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नारनौल,
नारनोल का प्राचीन नाम क्या है? नराष्टर। क्या है? नराष्टर। कोटन हब है। कोटन हब किसको कहा जाता है? सिरसा को। ठीक है, सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन कहाँ होता है? सिरसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे छोटा नगर निगम है, सबसे बड़ा जो नगर निगम है दोस्तों वो कौन सा है? रोहतक। ठीक है, नो सॉरी, फरीदाबाद। सबसे पुराना फरीदाबाद है, और जो सबसे छोटा है वो क्या है? पंचकुला। मयूर स्टेडियम है, मयूर जो स्टेडियम है ना दोस्तों, वो कहां पर है? फरीदाबाद में। तो दोस्तों एसके के एग्जाम स्टडी चैनल हमेशा आपके साथ है, आप तैयारी करते रहो, ठीक है ना। जो भी आपको टॉपिक चाहिए या कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दो। कमेंट बॉक्स में जब आप लिखोगे ना तो हम उसका रिप्लाई अवश्य करेंगे, 100% करेंगे, ठीक है ना। तो एसके के एग्जाम स्टडी चैनल ने ये सीरीज चलाई है, अगर आपने ये सीरीज देख ली तो सरकारी नौकरी आपकी पक्की है, ठीक है। मैं गारंटी देता हूं सरकारी नौकरी आपकी पक्की है, ठीक है। ये नहीं कि आपने हरियाणा जीके भी पढ़नी है, इसके साथ साथ जो बाकी सब्जेक्ट है उनको भी बड़ी जोश के साथ, बड़ी मेहनत के साथ पढ़ना है, तभी तो आप क्या है एग्जाम को क्रैक करोगे। हरियाणा जीके हाईएस्ट नंबर की होती है, इसलिए हमने ये सीरीज चलाई हुई है, और इस सीरीज में 1000 क्वेश्चन है दोस्तों। 1000 क्वेश्चन कम नहीं है, हरियाणा जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। वीडियो नंबर 17 है, टोटल 50 वीडियो आएंगी, यानी कि आने वाले समय में 20-25-30 वीडियो और आएंगी। हमारा प्रयास है कि हम आपको पूरा कोर्स करवाएं, फ्री में करवाएं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।